जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आतंकी हमले को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस पर अमेरिका ने भी आशंका जताते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को काबू में रखे तो इन हमलों को रोका जा सकता है। भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों में सहायक रक्षा मंत्री रैंडल शैवन ने वॉशिंगटन में कहा कि कश्मीर पर फैसले के बाद कई देशों को डर है कि आतंकवादी समूह सीमा पार से भारत में हमलों को अंजाम दे सकते हैं। कश्मीर मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने के बारे में पूछे गए सवाल में शैवन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि चीन इस तरह का कोई संघर्ष चाहेगा या उसका समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को चीन का समर्थन बहुत हद तक कूटनीतिक एवं राजनीतिक समर्थन है। शैवन ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन दिया है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा ले जाया जाए या नहीं, इस संबंध में कुछ चर्चा हुई तो चीन इसका समर्थन करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा चीन कुछ करेगा। उन्होंने आगे कहा कि चीन का पाकिस्तान के साथ लंबे समय से संबंध है और उसकी भारत के साथ प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ स्थिर संबंध चाहता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा दौरे का जिक्र करते हुए शैवन ने कहा कि अमेरिका उनके साथ विचार विमर्श कर रहा है। बता दें कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35A के अधिकतर प्रावधानों को 5 अगस्त को खत्म कर दिया था। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.